मारी माँ करणी रू नाम चरण सरण ते चारणी थाने पुनः पुनः करू प्रणाम। अगर कहीं किणो सा जय श्री करणी। बाकी करणी माँ का नाम हमेशा अपने साथ रखना, वो कभी कुछ गलत नहीं होने देगी आपके साथ में। देखो कितनी सारी भयंकर गर्मी हो रही है ना, राइट? मुझे लग रही है, पता नहीं मेरे को तो लगती है। अभी वो नौ तपा पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब 9 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, 9 दिन बहुत ज़्यादा धूप रहेगी। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, कैरी का पानी, नींबू पानी और इसका गोल टाइम टू टाइम पीते रहना, लिक्विड वगैरह। तो आप लोग अपना ध्यान रखना, आप लोग अपना ध्यान रख पाएंगे तभी आप लोग अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे, है ना? तो आप लोग अपना ध्यान रखना। बिकॉज ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज हम लोगों की इम्यूनिटी पावर काफ़ी अच्छी होती है कंपेरिजन टू अवर पेरेंट्स या फिर जो भी अपने घर में हो उनसे। तो आप लोग अपना ध्यान रखो ताकि आप उन लोगों का ध्यान रख सको। ओके, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे देती हूँ ना कभी कभी, बट कोई बात नहीं, कोई हमसे बहुत नाराज हो रहा है, गर्मी हो रहा है। हाँ मैं बहुत सॉरी, मैं कुछ कह देती अभी। हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी। जय माँ करनी। सब्जी वाले, मम्मी सब्जी वाला आ गया। आप भी अपना सबका ध्यान रखना, बिल्कुल। योर वॉइस इज सो क्यूट, मतलब मुझे ना आप लोगों से पता लगा कि मतलब वॉइस भी बहुत ज्यादा क्यूट होती है, मतलब वॉइस भी क्यूट होती है। हाँ आज बहुत गर्मी है, 9 दिन तक गर्मी रहेगी, कुछ नौ तपा करके कुछ चल रहा है, मुझे मम्मी बताते रहते हैं। आरजू कैसे हैं आप? मैम आपने शादी का सोचा है? अभी नहीं, आपने शादी का सोचा है? शादी का पेरेंट्स के ऊपर कभी बोझ में बनी नहीं, और मैं चाहती हूँ कि जिस घर में जाऊँ उसमें भी बोझ बन के ना जाऊँ, सेल्फ डिपेंड रहूँ, इतना अच्छा अपना कमा लूँ कि किसी पे बोझ ना बनूँ। तो तब तक मैं नहीं सोचूंगी जब तक मैं सेल्फ डिपेंड ना बन जाऊँ, कि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। जब अपनी फैमिली में मैं इस तरीके से रही हूँ, अपनी फैमिली में मैंने किसी को कभी कुछ मांगने के लिए या फिर कुछ खरीदने के लिए कभी कुछ कहा नहीं है, तो आगे जाकर भी मेरे साथ ऐसा ना होना पड़े, तो तब तक मुझे बहुत टाइम लगेगा। अरे यार क्या आ गया यार, ओके गुड। और मेरा हर लड़की से यही कहना है कि अपने फैमिली पे, अपने पेरेंट्स पे कभी बोझ बन के ना रहें, और आगे भी जाए ना जिस फैमिली में, वहाँ भी बिल्कुल सेल्फ डिपेंड बन के जाए, ताकि कुछ गलत इंसिडेंट होता है तो हम लोग बिल्कुल ऐसे रहें कि अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको।